अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूं आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर नईम रहमान सिद्दीकी। ये वीक सजिटेरियस वालों के लिए कैसा गुजरेगा, 18 अक्टूबर से लेके 24 अक्टूबर 2021 तक की मैं बात करने जा रहा हूं। और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं, क्या आप सजिटेरियस तो नहीं, क्या आपका बर्थ कॉज तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट फे से शुरू होते हैं तो आप भी सजिटेरियस हैं। मेरे पास इस वीक में सजिटेरियस वालों के लिए ज़्यादातर खुशखबरी है, इसलिए कि जो इनका हाकिम सारा 18 अक्टूबर 2021 को डायरेक्ट होने जा रहा है, जायचे के थर्ड हाउस में डायरेक्ट हो रहा है, जिसकी वजह से इनके रिलेशन के मामलात, इनकी एजुकेशन के मामलात, इनके ट्रांसपोर्ट के मामलात, इनके लिखने पढ़ने के मामलात में काफ़ी बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। इस वीक के अंदर मरकरी भी 18 अक्टूबर 2021 को डायरेक्ट हो रहा है, जिसकी वजह से इनके लाइफ पार्टनर के मामलात, इनकी इज्जत और वकार के मामलात में बेहतरी आ रही है। सजिटेरियस वालों के जायचे के फर्स्ट हाउस में वीनस है, वीनस इस वीक के अंदर इनके लिए स्पॉटेड रहेगा। अगर आप गैर शादीशुदा हैं, अभी तक शादी नहीं हुई, चाहे आप मेल हैं चाहे आप फीमेल हैं, तो आपके रिश्ते के मामलात, आपकी शादी या मंगनी के मामलात में बेहतर साबित होने वाला है। इस वीक के अंदर फुल मून भी जायचे के फाइव हाउस में होगा। फुल मून जायचे के फाइव हाउस में होने की वजह से आपके लक के मामला, ख़ास तौर पर जो लोग आर्टिस्ट हैं, गुलूकार हैं, फिल्म थिएटर वगैरह में काम करते हैं, या जो लोग अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं, उनके लिए ये वीक बेहतर साबित होगा। वीनस आपके फर्स्ट हाउस में होने की वजह से आपको ज़रूर अपनी किस्मत आजमानी चाहिए, किसी ना किसी अनामी स्कीम में हिस्सा ज़रूर लेना चाहिए। आपके सिक्स हाउस के अंदर शर्फ़े कमर होगा। शर्फ़े कमर हर महीने में एक दफ़ा आपके जायचे के सिक्स हाउस में होता है, जिसकी वजह से आपके काम काज के मामला और आपकी सेहत के मामला में एक बेहतरी लेके आता है। लेकिन अलबत्ता इस वीक के अंदर 23 अक्टूबर 2021 को सूरज आपके जायचे के ट्वेल्थ हाउस में आ रहा है। जायचे के ट्वेल्थ हाउस में सूरज कई मामला में बहुत ज़्यादा बेहतर होगा और कई मामला में आपको मुहतात होना पड़ेगा, इसलिए कि आपके घरेलू मामलात, आपके विरासती मामलात और आपके शराकती लेन देन के मामलात में तो सूरज आपके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टेड होगा, लेकिन आपकी सेहत के मामलात और आपके काम काज के मामलात में आपको ज़रा मुहतात होना पड़ेगा, इसलिए कि सूरज ने पूरा एक महीना आपके जायचे के ट्वेल्थ हाउस में रहना है, जिसकी वजह से आपको जायचे के फोर्थ हाउस को तो अच्छी नज़र से देख रहा होगा, जायचे के एट्थ हाउस को अच्छी नज़र से देख रहा होगा, और जायचे के ट्वेल्थ हाउस में भी ये आपके लिए एक बेहतर साबित होगा। सिर्फ़ और सिर्फ जायचे के जो सिक्स हाउस में ये नेगेटिव जाहिर कर रहा होगा, मतलब कि काम काज की वजह से, सेहत की वजह से आपको कुछ ना कुछ दुश्वारी हो सकती है। और एक और चीज़ का ख़ास ख्याल रखिएगा, आप गाड़ी मोटरसाइकिल चलाते हुए ज़रा एहतियात बरतिएगा, इसलिए कि सूरज इस वक्त आपके जायचे के ट्वेल्थ हाउस में आ रहा है, कहीं जुर्माना ना हो जाए। और माली मामलात में भी बहुत ज़्यादा मुहतात रहिएगा, इसलिए कि मरीज की प्लोटो के साथ एक बैड नज़र है। प्लोटो इस वक्त आपके जायचे के सेकंड हाउस में है, जिसकी वजह से माली मामलात में कुछ ना कुछ दुश्वारी हो सकती है। लेकिन अलबत्ता फिर भी ये वीक आपके लिए इसलिए बेहतर साबित होने वाला है कि आपका जो हाकिम सारा है वो जायचे के थर्ड हाउस में इज्जत की हालत से बाहर आ रहा है, वो डायरेक्ट हो रहा है, जिसकी वजह से आपके कई मामलात आपके रिलेशन की वजह से सोल्व होते हुए नज़र आएंगे। उम्मीद ये करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।